नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं वी गार्ड VIRC01 इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में। दोस्तों, हमने पहले इंडक्शन कुकटॉप्स के बारे में बात की कई बार, यहां हमने वी गार्ड का ये इंफ्रारेड कुकटॉप लिया है जो इंफ्रारेड है, यानी कि इस पर सभी तरह के बर्तन आप यूज कर सकते हैं और सभी तरह का भोजन आप इस पर बना सकते हैं। इंडक्शन कुकटॉप में आप रोटी नहीं सेक सकते थे, पापड़ नहीं सेक सकते थे, यानी कि जो सेकने का काम था वो नहीं होता था, यहाँ पर वो काम भी हो जाएगा। ये सभी तरह के फूड आइटम्स बनाने के लिए होता है इंफ्रारेड कुकटॉप। ये वीगार्ड का VIRC01 इंफ्रारेड कुकटॉप यहाँ पर है जो कि 2000 वॉट के साथ में आता है और काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में आता है। लगभग 4000 से 4200 की प्राइस रेंज में ये हमको मिलता है। अभी बहुत टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए और मैं आपको जैसे ही मेरे पास अवेलेबल हुआ है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अच्छे प्राइस रेंज में है। अगर इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने का जो कोई लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये देखें आप, काफ़ी अच्छी पैकिंग इसकी होती है वीगार्ड VIRC01। और ये देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पैटिबल फॉर ऑल कुकिंग वेजल्स एंड मल्टीपल कुकिंग ऑप्शंस के साथ में आता है ये, अच्छा पैकिंग इसका। चलिए दोस्तों, इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का इंडक्शन कुकटॉप ये हमको मिलता है, सॉरी इंफ्रारेड कुकटॉप किस टाइप का होता है ये। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इतने अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हमारे दूसरे वीडियोस भी मिलते रहें। देखें दोस्तों, ये हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं अनबॉक्स करने के बाद। ये थर्माकोल से पैक किया हुआ है काफ़ी अच्छे से, थर्माकोल की मदद से। ये कुछ इस टाइप का इंडक्शन होता है, इसको हम इस पॉलीथीन के बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये इंडक्शन कुकटॉप है और साथ में एक ये यूज़र मैनुअल कम वारंटी कार्ड और साथ में एक ये BBQ ग्रिल हमको मिलती है कुकिंग के लिए। इस पर आप रख सकते हैं और कोई भी चीज़ आप इस पर बना सकते हैं। ये इसलिए कि आपका हाथ नहीं जले, डायरेक्ट अगर यहाँ पर रखेंगे तो हाथ जलने का चांस है, फिर रोटी वगैरह जो सेकना है वो काम इस पर आसानी से होगा, उसके लिए ये BBQ ग्रिल दी हुई है। दोस्तों देखें आप, कितना अच्छा डिज़ाइन इस इंडक्शन इस इंफ्रारेड कुकटॉप का है। मुझे इंडक्शन इंडक्शन नाम आ रहा क्योंकि पहली बार इंफ्रारेड कुकटॉप हाथ में आया है, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। ब्लोहोट वगैरह के इंफ्रारेड तो मेरे पास पहले भी आए लेकिन वो क्वालिटी नहीं थी, यहाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये 2000 वॉट के साथ में आता है और काफ़ी स्पेशल है। देखें आप, डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, बैक साइड से भी देखें, ज़्यादा भारी भी नहीं है, लुक वाइज भी अच्छा है और वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये इसकी केबल देखें आप, अच्छा 1 साल की इसकी वारंटी होती है। ये वारंटी कार्ड आपको डीलर के द्वारा फिल करके स्टैम्प करके दिया जाता है और आपको 1 साल तक संभाल कर रखना होता है। इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, खराबी आती है तो आपको ये वारंटी कार्ड कंपनी के टेक्नीशियन को शो करना होता है, तभी आपको सर्विस मिल पाती है। दोस्तों चलिए, इसके बारे में कुछ और बातें करें तो मैं आपको इसका क्लोज लुक दिखाता हूँ और फिर इसके सारे फीचर्स फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। देखें दोस्तों, ये क्लोज लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीगार्ड इंफ्रारेड कुकटॉप, मॉडल नेम VIRC01, काफ़ी अच्छा है। ये देखें, ये इसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं, सॉफ्ट स्विच कंट्रोल है, ये स्विच से कंट्रोल होता है, इसमें टच वाला सिस्टम नहीं है। ये देखें, ये पावर ऑन ऑफ, ये मैनुअल और ये डाउन, ये अप, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर ये मिल्क, इधर देखें आप तो चाइल्ड लॉक, ये फ्राई और BBQ, ये डोसा और चपाती, इडली, बॉयल, टाइमर, बोल्ट और यूनिट्स, मिल्क, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। देखें तो सॉफ्ट स्विच कंट्रोल से ये काम करता है ये इंफ्रारेड कुकटॉप और इजी टू ऑपरेट है, एकदम आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये पावर बटन दबाना होता है, उसके बाद ये मैनुअल, ये फिंगर दी हुई है,
तो इसके बाद ये दबाना है, उसके बाद यहाँ से टेम्परेचर अप हो जाएगा और यहाँ से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता तो बस ये चार बटन से आप इसको कर सकते हैं यूज़। साथ में देखिए आप तो वाइड वर्किंग रेंज इसकी होती है, 2000 वोट का है ये इंफ्रारेड कुकटॉप, तो 200 वोट से लेकर ये 2000 वोट तक जाता है। लंबी चौड़ी इसकी रेंज होती है, यानी कि 8 से 10 इसमें दिए हुए हैं टेम्परेचर सेटिंग्स, 10 टेम्परेचर सेटिंग्स हैं पावर और टेम्परेचर की, 10 लेवल हैं। फिर देखें तो हाई और लो वोल्टेज कट ऑफ सिस्टम इसके अंदर दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस अगर होते हैं किसी एरिया में वहाँ पर ये कंट्रोल करता है, हाई या लो वोल्टेज होता है तो वहाँ कट ऑफ हो जाता है, इसलिए इसमें नुकसान नहीं होता है। इसमें 4 घंटे का टाइमर दिया हुआ है, 1 मिनट से 4 घंटे तक का टाइमर आप इसमें सेट कर सकते हैं। हॉट वार्निंग इंडिकेशन इसमें है, ज़्यादा गर्म होगा तो उसकी वार्निंग भी आपको मिल जाएगी। साथ में इसमें ये चाइल्ड लॉक भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि बच्चे इसको छेड़खानी नहीं कर सके। और 10 लेवल जो मैंने बताए पावर एंड टेम्परेचर सेटिंग के वो है। 6 कुकिंग मोड्स इसमें होते हैं, ये देखें आप, फ्राई और बीबीक्यू, डोसा, चपाती, इडली, बॉयल, मिल्क और मैनुअल, इस तरह से ये 6 कुकिंग मोड्स इसमें होते हैं। एनर्जी या वोल्टेज इंडिकेटर इसमें होता है, यहाँ पर इंडिकेट करता है कितने वोल्टेज पर काम कर रहा है और कितने वॉट एनर्जी ले रहा है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर शो होती है। लाइट वेट है, 4 फास्ट है, एफिशिएंट है, 2000 वॉट का है तो काफ़ी फास्ट होगा और फिर भी एफिशिएंट है। स्पीड से काम करता है तो ज़्यादा बिजली खर्च आपकी नहीं करता है, जल्दी जल्दी काम करके आपको देता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बिजली से चलता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं पहुँचा है पर्यावरण को, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, ये देखें यहाँ, थॉटफुली इंजीनियर्ड, तो काफ़ी सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया है। और डिजिटल डिस्प्ले के साथ में ये इंफ्रारेड कुकटॉप हमको मिलता है। और इसमें ये यहाँ की साइड में तो एयर वेंट होता है, ये एक देखें आप, तो पावर कॉर्ड काफ़ी अच्छी दी हुई है उन्होंने, 5 से 7 फीट लंबी, लगभग 6 एम्पियर का टॉप दिया हुआ है। इसको लगाना आपको 16 एम्पियर में ही है, ये ध्यान रखें, इसको 6 एम्पियर में मत लगाना, 6 एम्पियर सॉकेट को ये जला देगा, 16 एम्पियर सॉकेट में ही इसको लगाएं आप। और यहाँ पर ये देखें आप, तो ये पैनल है, क्रिस्टल ग्लास पैनल है, ये नीचे इसका बेस, एंटी स्किड बेस है इसका, फिसलेगा नहीं गैस स्टैंड पर या कहीं भी आप यूज़ करेंगे। और ये पूरा कंट्रोल पैनल जो सॉफ्ट स्विच कंट्रोल से यूज़ कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा इंफ्रारेड कुकटॉप है। और इधर देखें आप, तो ये इधर फैन दिया हुआ है और ये इसका सीरियल नंबर वगैरह डिटेल्स दी हुई है। ये बीबीक्यू ग्रिल, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बीबीक्यू ग्रिल दी है इन्होंने, आपको यूज़ करना है इसको तो इस तरह से रख के आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से सावधानीपूर्वक आप पकड़ कर इस्तेमाल करें। इधर गर्म ज़्यादा होगा, इंडक्शन जो था, इंडक्शन कुकटॉप में ऐसा नहीं होता था कि आप हाथ रखें तो आपका हाथ गर्म होगा, वहाँ पर सिर्फ बर्तन गर्म होता था, लेकिन यहाँ पर आँच आएगी, इंफ्रारेड कुकटॉप है तो यहाँ आँच आएगी, उसकी वजह से ये गर्म होगा और यहाँ आप हाथ नहीं रख सकते, हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा आपका, इसलिए सावधानी से इसको इस्तेमाल करना है। और ये टेम्परेचर सेटिंग के लिए आप फटाफट डाउन कर सकते हैं अगर आपको आँच ज़्यादा लगती है, इस तरह से आपको यूज़ करना होता है। और जो मैंने प्राइस रेंज आपको बताया, 4000 से लगभग 4200 की प्राइस रेंज में मिलता है। ऑनलाइन अगर होगा लिंक तो मैं दे दूँगा आपको, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे और भी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।